बारिश के दिनों में शहद के उपयोग और लाभ। बारिश के मौसम में बारिश के कारण हर जगह गीलापन रहता है और गीलेपन के कारण फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज, खुजली या बुखार जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो ऐसे में शहद जो है वो हमारे शरीर से गीलापन को सोखने का काम करती है और शरीर को नरिशमेंट देने का काम करती है। जठरग्नि मंद होने के कारण शरीर में कमजोरी और इन्फेक्शन बढ़ा हुआ रहता है, उसे बल प्रदान करने का काम करती है और जठरग्नि को प्रदीप्त करती है। इस मौसम में पेट की अग्नि जब मंद हुए रहती है तो ऐसे में हमें खाना कम खाना चाहिए, हो सके तो अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास भी रखना चाहिए और शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे हड्डियों में भी ये बल प्रदान करने का काम करती है। बारिश के दिनों में चर्म रोग होने की संभावना भी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में आप त्रिफला के साथ शहद का उपयोग ज़रूर करें। शहद को आप बारिश में उल्टी या फिर अतिसार में भी उपयोग कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग में शहद के साथ इलायची पाउडर मिलाकर ले सकते हैं, इससे बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। जिन्हें भी इस मौसम में लूज मोशन होने की समस्या है तो ऐसे में जीरा पानी उबालकर थोड़ा ठंडा करके उसमें शहद डालकर ज़रूर लेकर देख सकते हैं, इससे बहुत ही लाभ मिलता है।